सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। किसानों के लिए अच्छा है भाई, रात को किसी चीज भी कहीं चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है भाई, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है इनकी, सब चीज हर बिरादरी सब बढ़ाई करा भाई, कहीं भी किसी चीज में मतलब किला चला जाओ दुकेला चला जाओ किसी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कह रहे बहुत सुरक्षा है भाई, है ये सुरक्षा तो दे लो, सुरक्षा का पेट भर रही। मिथिलेश पाल जीत रही है यहाँ से, अब तक के जो आंकड़े बता रहे हैं। तो योगी जी का भी असर है, योगी जी से तो नाराज है लोग। एक तो बिजली बहुत बढ़िया आ रही भैया, देखो सारी चीज है, बिजली भी जरूर चाह किसान को, पहले बिजली का बिल माफ कर दिया, और भाई खेतों के लिए पानी की दिक्कत थी, बहुत ज्यादा समस्या थी, वो बिजली का पानी बहुत बढ़िया टाइम पे पानी मिल रहा, यो नहीं है कि किसान परेशान है। गन्ने में दाम नहीं बढ़े और खाद पे उर्वरक शक्ति दवाइयाँ सारी इन पर सब पे दाम चढ़ गए, इन पर कोई कंट्रोल नहीं करी सरकार। पेमिट ठीक आ रहा लेकिन गन्ने का रेट नहीं मिल पा रहा किसान को, जिस हिसाब से लागत लग रही, दवाई मेहनत लग रही, मजदूर नहीं मिल रहे, उसी हिसाब से गन्ने का रेट नहीं मिल पा रहा किसान को। हिंदू समाज है ये, ज्यादातर मायावती कह रहा कुछ इंगे भी देगा उंगे भी देगा, हरिजन हरिजनों में बढ़ सके और गुज्जर कुछ बढ़ सके, कुछ कादीराने में जाएगा, कोई मिथिलेश पाल में भी जाएंगे तो हिंदू दोनों बढ़ जाएगा। देखो मुसलमान तो अब गया आलू हरा से इस पे जी, हाँ सब में जा रहा, सब में जाएगा मुसलमान तो। सीसे में आपका स्वागत है, हम उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर है जहाँ पर उपचुनाव होने हैं और बहुत जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं सब ने अपनी तैयारी शुरू कर रखी है और जगह जगह प्रचार प्रसार हो रहा है। हम मीरापुर विधानसभा सीट के टनेड़ा गाँव में है जहाँ पर हम यहाँ कई लगभग मिले जुले कई समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बार इस चुनाव उपचुनाव में क्या लोगों की राय है। मैं अगर प्रत्याशियों की बात करूँ तो यहाँ भाजपा और आरएलडी के गठबंधन से मिथिलेश पाल जी यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा गठबंधन से कादिर राणा की पुत्रवधू सुम्बुल राणा यहाँ उनको टिकट मिला है, और वहीं आसपा आज़ाद समाज पार्टी से जाहिद हुसैन को और बसपा से शाह नज़र को टिकट मिला है यहाँ से। अब देखना ये होगा यहाँ कि राजनीति किस तरह बदलेगी, किस तरह का यहाँ माहौल बनेगा, क्या यहाँ किस तरह के समीकरण यहाँ बनेंगे, क्योंकि यहाँ ये सीट जो है यहाँ पर मुस्लिम भी काफ़ी संख्या में है और भी बिरादरियाँ संख्या में है, यहाँ देखना ये होगा कि क्या रुझान बनने वाले हैं, लोगों की क्या राय है, लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। जी नमस्कार जी, क्या नाम आपका ये बताओ? मेरा नाम धर्मवीर। अच्छा क्या करा करो बाबा जी? मैं दवा देता हूँ दर्द। अच्छा तो काम है अपना? अपना काम है। अच्छा कब से कर रहे हो और क्या साल हो? एक साल हो लिया। अच्छा चलो चुनाव है आपके यहाँ, क्या देख रहे? देखो जी हम तो इससे फूल के अलावा कहीं जाने के नहीं, भाजपा से और मिथिलेश पाल उठिया लड़के से उसको ही वोट देगी। क्या अच्छा लग गया फूल में भाजपा? हमें यही अच्छा लग रहा है, सब हमारी रात को जो पानी पर जाते हैं, हमें बहुत बड़ी सुविधा होती है, अपनी 12 पे किस्टम से जा मोटरसाइकिल लेकर, हमारी मोटरसाइकिल भी शुरू से और हम भी सुरक्षित। तो आप कह रहे कानून व्यवस्था? हाँ कानून व्यवस्था अच्छी है, आगे का हमें पता नहीं क्या होगा बस। और भी तो पार्टियाँ लड़ रही, उन्हें नहीं देख रही, पार्टी लड़ रही थी वो उनको देखेगी सरकार, अपना पब्लिक देखेगी, हर मजहब से आदमी है, अपने अपने मजहब को सभी देगा करीब करीब, वो हम देखे ज़्यादातर उसे राणा जी को देंगे, कादिर राणा को, और ये और हिंदूवाद हिंदू समाज है ये ज़्यादातर मायावती कह रहा कुछ इंगे भी देगा उंगे भी देगा, हरिजन हरिजनों में बढ़ सके और गुज्जर कुछ बढ़ सके, कुछ कादिर राणा में जाएगा, कोई मिथिलेश पाल में भी जाएंगे तो हिंदू दोनों बढ़ जाएगा। तो मतलब आप कह रहे कि बटा हुआ है, बटा है जी चारों तरफ। और पहले जो चुनाव हुए थे विधानसभा उनमें बस उसमें तो बहुत बढ़िया माहौल था, एक तरफ भाजपा की तरफ ही गए ज्यादातर लोग, लेकिन आरएलडी से थे यहाँ चंदन चौहान जी, वे जीते थे। हाँ वे जीते थे जी। हाँ इस बार गठबंधन है? गठबंधन है जी हाँ, सेम मायावती आ रही गठबंधन से, भाजपा से लड़के थे दोनों से गठबंधन तो इससे आ रही। अच्छा क्या नाम भाई? सतीश कुमार। सतीश भाई क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। अच्छा चलिए खेती करते हैं, तो क्या लग रहा है आपको किसानों के लिए, कैसी है सरकार अभी, किस तरह के काम है? नहीं किसानों के लिए अच्छा है भाई, रात को किसी चीज़ भी कहीं चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है भाई, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है इनकी, सब चीज़ हर बिरादरी सब बढ़ाई करा भाई, कहीं भी किसी चीज़ में मतलब किला चला जाओ दुकेला चला जाओ किसी कोई दिक्कत नहीं है, और भाई देखो करना तो हमें यही अपना काम करना भाई, खेती बाड़ी तो अपना अभी करनी, सरकार बढ़िया है और मिथिलेश पाल जहाँ तक उम्मीद है 100% की वो है जीतने की।
पहले क्या होता था, पहले सुरक्षा नहीं थी, पहले सुरक्षा नहीं थी भैया, आपस में एक दूसरे के लड़ रहे थे। आज के टाइम ऑर्डर बहुत समझदार हो गया है, ऑर्डर में कोई वो नहीं है, मतलब अगर पहले तो भगा लेते एक दूसरे को, नुकुन है ये है, अब ऑर्डर बहुत समझदार है, सोच समझ का वोट देगा, जो अच्छा है, और सरकार भी अच्छी है और कैंडिडेट भी अच्छा है, पहले भी बढ़ती हुई है वो, अनु तो कोई भी आ जाओ कोई किसी के लिए इतना वो नहीं करता जितना सरकार ने किया, क्योंकि पहले लोग बहुत परेशान रहे, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ नुकसान हो गया, किसी का डंगर लेके खो गया, किसी का कुछ हो गया, अब व्यवस्था बहुत बढ़िया है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, कानून व्यवस्था, आप कह रहे कानून व्यवस्था सुधरी, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत इसमें बहुत सुकून है, पानी से भी कोई दिक्कत नहीं है, अनिरोध रात को योग की उसकी ट्वेल पाड़ ली, उसका वो कर लिया, फलाना कर लिया, उसका अपहरण कर लिया, बस हो गया, बहुत चीज़ है, डॉक्टर साहब का लेके थे ठाक है, कई घंटों में छुटे थे जाके, तो ये है व्यवस्था बढ़िया है, कोई चीज़ दिक्कत नहीं है, कानून की व्यवस्था होना एक बहुत बढ़िया चीज़ है, हमें तो चीज़ है अपनी सुविधा ही अच्छी है हमारी। अच्छा पहले यहाँ RLD से चंदन चौहान जी यहाँ से विधायक बने थे, लेकिन अलग थे, अलग लड़े थे वो, इस बार भाजपा भी साथ में है, मजबूती होगी या कुछ? मजबूती है जी, बहुत बढ़िया, और सभी बिरादरी, छोटी बिरादरी, मतलब पाल हैं, ये भी हैं, सब सब बहुत बढ़िया वो रहेगा, मोमडन की भी वोट मिलेगी, ऐसा नहीं है भाई मोमडन नहीं देने का, मोमडन की भी वोट मिलेगी। चले किसानी में आपको क्या लगा, सरकार ने क्या किया 10 साल में किसानों के लिए? नहीं, एक तो बिजली बहुत बढ़िया आ रही भैया, देखो सारी चीज़ें, बिजली भी जरूर चाह किसान को, पहले बिजली का बिल माफ़ कर दिया, और भाई खेतों के लिए पानी की दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा समस्या थी, वो बिजली का पानी बहुत बढ़िया टाइम पर पानी मिल रहा, यो नहीं है कि किसान परेशान है, लेकिन किसान हम देख रहे हैं यूपी में बहुत से किसान है विरोध कर रहे हैं बिजली का, बिजली महंगी है, स्मार्ट मीटर आ रहे हैं कि भाई उनसे दिक्कत होगी, कोई भी चीज़ हो जो अच्छे काम, जो कोई अच्छे काम करेगा उसमें बराबर में बुराई तो आएगी, कोई भी हो घर में एक मुखिया है वो, उसके 5 मतलब परिवार है, 5 आदमी है तो किला एक अलग है, एक अलग है, तो कहीं ना कहीं तो देखो भाई किसी को एकजुट करना भी तो एक नहीं हो सकता ना, गन्ने में दाम नहीं बढ़े और खाद पे उर्वरक शक्ति दवाई सारी इन पर सब पे दाम चढ़ गए, इन पर कोई कंट्रोल नहीं करी सरकार, लेकिन सरकार तो वो दे रही किसान सम्मान निधि उसमें से फायदा, 2000 में क्या हो, 2000 की देख दो एक भाव है, भाई साहब तो कह रहे बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया बढ़िया किसानों के लिए थोड़ा सा इतनी सहूलत करी, एक तो चोरनी बदमाशनी कहीं और किसी तरफ जंगल फिर कहीं और फिर सुरक्षा के हिसाब से बढ़िया, किसानों के हिसाब से मतलब किसानों के हिसाब से सही नहीं। नमस्कार जी, नमस्कार, क्या नाम जी अपना? मेरा नाम है सोनवीर। अच्छा सोनवीर जी क्या करते हो आप? खेती कर रहे हैं। अच्छा खेती किसानी का ही काम है अपना। अच्छा क्या लगा किसानों के लिए, कैसा है अब चुनाव में मुद्दा होगा? किसान है बढ़िया है, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, गरीबों को सिलेंडर दे दिए, और क्या चाहिए, राशन मिल रहा है हर महीने, बोल लो तो सिलेंडर तो महंगा काम नहीं हो रहा, सभी को हिंदू हो कोई मुसलमान हो सबको बराबर हक मिल रहा है, अगर किसी को दूल्हा बहू मिल रहा है हमें बताओ, हम इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा जी, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि भाई महंगाई बहुत होगी, जैसे आप सिलेंडर की तो आप रोक, सिलेंडर पहले 400 का 800 का हो गया भाई, महंगाई को तो आप रोक सको ना हम रोक सकें, सरकार तो रोक सकती है, कमी के भाव है, भाव तो महंगा तो खुद ही होगी, कम हो गए। गन्ने को कैसे देख रहे हैं, यहाँ गन्ना क्षेत्र है, बैठ कर तो कुछ करी ना करो, यहाँ से गन्ना तो गन्ना ही है, गन्ना यहाँ काफी गन्ना है, कोई टेंशन नहीं गन्ने की, तो भाव बढ़े, किसान तो विरोध करते रहे, भाव नहीं दे रहे, गन्ना पेमेंट नहीं, भाव चाहिए और कितना भाव चाहिए लोगों को, पेमेंट बहुत बढ़िया, पेमेंट मिल रहा आपके हिसाब से सही काम क्या बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। क्या नाम भाई? अरविंद कुमार। क्या करते हैं अरविंद भाई? दूध की डेयरी चला रहे जी। अच्छा, किसान हम। अच्छा खेती किसान नहीं है? हाँ जी खेती किसान। अच्छा, क्या लगे ताऊ जी तो कह रहे, एक तरफ तो कह रहे कि भाई किसानों के लिए थोड़ी दिक्कत है, एक तरफ कह रहे कि सही है। दिक्कत है जी सरकार में भाई, इतना के कानून व्यवस्था सुरक्षा यही है, और किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है वो सरकार, और कोई दिक्कत नहीं है वैसे सरकार ठीक है, यो भी है कि यहाँ की सीट जो है वो RLD की है, पहले भी ये जीती थी, मिथिलेश पाल हुई थी मोड़ ने विधानसभा से, इस बार मीरापुर विधानसभा से भी यही होगी, तो मजबूती आओगी गठबंधन से? हाँ मजबूती है, पूरी मजबूती है, हिंदू और मोमडन जो है अलग अलग उसमें वोट कर रहा है, मोमडन एक तरफ जा रहा और हिंदू एक तरफ जा रहा, हिंदू की वोट मोमडनों पे नहीं जा रही बिल्कुल भी, लेकिन मिथिलेश पाल जीत रही है यहाँ से, अब तक के जो आंकड़े बता रहे हैं। योगी जी का भी असर है? योगी जी से तो नाराज है लोग, किसान ज्यादा नाराज है, सबसे ज्यादा तो ये जो गाय बछड़ों का सिस्टम कर रखा है, ये इनकी खेती में फिर इससे सबसे ज्यादा नाराज है। और जैसे
भाई हमारा तो गन्ना बेल्ट है, खेती किसानी का एरिया, गन्ने का ऐसा ही देखो पेमिट ठीक आ रहा, लेकिन गन्ने का रेट नहीं मिल पा रहा किसानों को। जिस हिसाब से लागत लग रही, दवाई मेहनत लग रही, मजदूर नहीं मिल रहे, उसी हिसाब से गन्ने का रेट नहीं मिल पा रहा किसानों को। पूर्ति नहीं हो पा रही बिल्कुल। और ये जो किसान सम्मान निधि दे रहे भाई, उससे क्या हो रहा है? 2000 रुपए दे दिए, 6000 रुपए साल में, 6000 रुपए का तो खाद एक बीघे में गिर जा। महंगी पड़ रही, महंगी खेती महंगी पड़ रही इस टाइम में। तो किसान करना चाह रहा खेती नहीं, किसान करे क्या खेती छोड़ के, और क्या करेगा, मजबूरी में कर रहा। जैसे किसान के बच्चे है भाई, पहले आर्मी में जाते थे, पुलिस में जाते थे, नौकरियां निकलती थी, पिछले 10 साल से लगे आपको भाई भाजपा कोई कोई नौकरी नहीं निकल ली। हमें बताओ हमारे गांव में 4 साल से कौन सा लड़का नौकरी पे गया? तो आर्मी भी 4 साल की कर दी, वो भी बेकार है। बताओ 4 साल बाद कहाँ क्या करेंगे वे आके? भाई 4 साल की उन्होंने नौकरी आर्मी में करवा के उन्होंने घर भेज दिए, वे क्या करेंगे 4 साल बाद? उनका तो कैरियर सारा ही खत्म हो जाएगा। कह रहे कि भाई आप प्राइवेट जगह नौकरी कर सकते, प्राइवेट तो वे करे तो पहले भी कर सके, फिर 4 साल ही क्यों उन्हें दे? भाई अपने जीवन के जो जवानी के टाइम है वो तो उन्हें दे देंगे, बाकी फिर 4 साल बाद वे आ गएंगे देंगे धक्के खाएंगे। वो पक्का नहीं है रोजगार, फिर कोई पक्का रोजगार नहीं, रोजगार का बहुत प्रॉब्लम है इस सरकार में। ये कह रहे थे भाई 2 करोड़ नौकरी देंगे, प्रधानमंत्री ने भी कहा था, गन्ने का भाव 450 करेंगे। देख लो आप, अब देख लो 400 भी दे रहे हो तो 370 का रेट मिल रहा किसान को, जबकि इस बार इस टाइम पे 500 रुपए तक का रेट हो जाना चाहिए। हम देख रहे कई जिले है मुजफ्फरनगर शामली जहाँ गन्ने भुगतान की भी दिक्कत है, आपके यहाँ भी थोड़ी सी रहती है? भुगतान सही आ रहा, भुगतान पे दिक्कत नहीं है, भुगतान टाइम पे आ रहा, लेकिन रेट पूरा नहीं मिल रहा, जिससे लागत ज्यादा लगा उस बचत नहीं। इस वजह से सरकार जो है थोड़ी डाउन है, वैसे सरकार ठीक है व्यवस्था से कानून में वैसे ठीक है, लेकिन रोजगार महंगाई ये सारी, हाँ महंगाई महंगाई बढ़ रही, महंगाई देखो कोई सी भी सरकार आ जावे महंगाई कोई सी सरकार नहीं रोकने की, कुछ कंट्रोल कर सके बस, नहीं तो कोई सी सरकार आ जाओ महंगाई नहीं रोकने की। बड़े भाई हाँ, क्या नाम जी? ब्रह्मपाल है। क्या कर रहे हो ताऊ जी? खेती करें। खेती करो हाँ। क्या है खेती में कुछ फायदा हो रहा सरकार से? नहीं, सरकार से बस 2000 रुपए मिल रहे और पेंशन वालों की आधों की पेंशन है आधों की नहीं है। अब हम है हमारी पेंशन होनी चाहिए थी, अब पेंशन नहीं मिल रही। पूर्ति हो जाए इन 2000 में किसान को फायदा हो जाए कुछ? 2000 में कहाँ हो रहा, दो या 6 साल भर में 6000 मिले और खर्चा हो जाए उससे ज्यादा। ये तो कि बोर्ड लगा दे कि भाई इतने करोड़ रुपए हमने किसानों को दे दिए, ये कर दिया, तो दे करे भी है, पर कुल मिलाकर किसान के हित में अभी सरकार है नहीं। और जैसे गांव के विकास कुछ हुआ? गांव में विकास हो रहा, सड़कें भी बन रही हैं, कुछ काम चल रहा, जहां तक जो है विकास तो सही हो रहा। तो किधर देख रहे क्या माहौल बना हुआ माहौल? तो इस सीट का बढ़िया हो, जो इसकी सीट है ना मीरापुर वाली, इसकी मिथिलेश पाल की, ये इसका बढ़िया वोट है। अच्छा, बढ़िया वोट है हाँ। तो इशारा सा बताओ किधर? इधर ही हैं हम भी। अच्छा चलो ठीक है। क्या नाम भाई? क्या नाम जी? आसम मोहम्मद है जी। आसम मोहम्मद भाई, क्या हाल, क्या करते हो आप? मैं तो भाई थोड़ी सी खेती जी, वो मजदूरी करूँ। अच्छा, तो मजदूरी है, मजदूरी के क्या हाल है? कुछ कमाई बढ़ी, मेहनत बढ़ी हो? कुछ नहीं बढ़ी जी। और महंगाई? महंगाई तो पूरा है, आप परिवार चल जाओ उस मजदूरी में। जी पता नहीं कैसे कैसे करना पड़ रहा, जबरदस्ती चलाना पड़ रहा, पता नहीं कैसे कैसे। तो ये तो कह रहे बहुत सुरक्षा है भाई, ये है सुरक्षा है तो दे लो, सुरक्षा का पेट भर रही मजदूरी का है 300-400 रुपए की, वो कहो कि मैं घर में उठ जाऊँ, बच्चे की पढ़ाई भी है, सारी चीज है, महंगाई तो पूरा हिसाब है जी। कह रहे राशन दे रहे हम इतने लोगों को राशन? अजी राशन 3 बच्चे है, इतना तो कहते 5 किलो राशन वासन में काम थोड़ी चल रहा है, और भी चीजें जरूरी है। हाँ जी, क्या देख रहे रुझान? क्या देख रहे रुझान? तो जी देखो मुसलमान तो अब क्या आलू हो रहा है इस पे जी, आलू हाँ सब में जा रहा, सब में जाएगा मुसलमान तो। सही बात तो है, तय नहीं है कुछ इस तरह का एक तरफा, आइए अब कोई तय नहीं, अब का मुसलमान तो आलू हो रहा जी, तो फिर आ जाओगा। हाँ ठीक है भैया। भैया जी नमस्कार, क्या नाम जी? जसवीर सिंह। जसवीर भाई क्या करते हैं? खेती। खेती अपने तो चुनाव आ रहे, कुछ चुनाव में खेती की भी बात हो रही है नहीं, या कोई नेता लोग ध्यान दे रहे? कोई कुछ नहीं कर रहा, किसान को तो कोई पूछता ही नहीं, इन्हें तो गड्ढे में रखे हुए, तो किसी ना किसी का थोड़ा जाएंगे, मजबूर हैं, क्या करेंगे, वोट तो किसी ना किसी को देंगे ही, किसानों की तो अनदोखी हो रही है शुरू से, पहले से कोई आज अनोखी बात नहीं है,
किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान ही नहीं है किसी भी सरकार का किसी पार्टी का। लेकिन चुनाव में बहुत सारे वादे किए जा भाई, आंदोलन भी हुआ दिल्ली, एमएसपी की भी गारंटी दी गई, एमएसपी पे कानून बनेगा तय होगी, यहाँ भी आंदोलन चलते रहे, गन्ना पेमेंट की भी दिक्कत है और गन्ने के भाव की भी बात है, इस तरह की पिछले 5-10 सालों में आपने देखा किसान की इन चीज़ों पर बात हुई हो? किसान की इन चीज़ों पर किसान मांग करते हैं लेकिन किसान की कोई मांग पूरी नहीं होती कभी भी। गन्ने के रेट की बात है, योगी जी ने पिछली बार बढ़ा लिए थे, अब का कुछ नहीं सुनने को मिल रहा, खर्चे बढ़ गए, खर्चे तो हर साल बढ़ते हैं, जहाँ पहले मजदूर 300 रुपये में जाता अब 500 मांगे, खाद की बोरी जहाँ पहले 50 किलो की थी अब 45 किलो की घटा दी और पैसे भी हैं तो क्वांटिटी घटा दी तो रेट महंगा हो गया ना, बस रेट नहीं बढ़ाया, एक रेट नहीं बढ़ाया, बोरी तो नहीं की है लेकिन बोरी में 5 किलो घटा दिया, तो वो भी तो कहीं ना कहीं महंगा ही है। तो किसानों की तो कोई भी सरकार हो किसी की पार्टी की भी हो कोई किसान के बारे में सोच रहा है, सब अनदेखी ही कर रहे हैं। तो क्या सोच रहा फिर किसान यहाँ इस सीट पर, क्या किस तरह से किसान तो ये सोच रहा है वोट गेरनी है किसी ना किसी को, जिसकी जो पसंद आ रहा है वोट गेरेगा। और गांव में बाकी और भी बिरादरियाँ है और भी समाज है भाई, उनका बहुत से प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों से भी है इस गांव में, तो लगभग सभी पार्टियों का कोई भी कैंडिडेट हो सबको वोट मिलेंगे, किसी को कम किसी को ज़्यादा, बटा हुआ है मामला, बटा हुआ है। कोई पिछली बार चुनाव का बहिष्कार भी करा लोकसभा में, एक सड़क का मुद्दा था उसका तो चलो अभी काम चल गया है, लेकिन शायद पूरे देश के किसान मिलके एक बार कुछ अपना सब एक साथ मुद्दा बना के अगर पूरे देश का ही बहिष्कार कर लें तो शायद किसानों का कुछ समस्या का समाधान हो जाए, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं है। सरकार वादा करती है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। नाराज़गी है किसान की, नाराज़गी किसान की नाराज़गी हमेशा से है, उसे उसकी मेहनत का और आज के समय के अनुसार जो उसकी इनकम होनी चाहिए वो नहीं, उसकी मेहनत का उसे फल नहीं मिल पा रहा। हम लोग टंडेड़ा गांव में थे मीरापुर विधानसभा सीट के, जहां पर हमने यहां गांव के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस बार इस उपचुनाव में क्या लोगों का रुझान है, किस तरह पर लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं हर समाज कहीं ना कहीं किसी ना किसी के समर्थन में बटा हुआ है और ये देखना जरूरी होगा कि इस चुनाव में कहां तक ये चीज़ें पहुंचेगी, यहां की राजनीति क्या करवट बदलेगी। जुड़े रहे आप सीसीए से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।